अरे यार ओ ये देखो, हो गया कल्याण, हो गया अपना तो भाई, गाड़ी पंचर हो गई ये बारिश में। हेलो माय टू फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन राइडर आज़ाद। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से हैं। मैं भी अच्छा हूँ। जिसकी आज है ट्यूसडे और अभी अपन लॉगिन नहीं करे, ऐसे ही निकला मैं घर से। अभी लॉगिन करेंगे, 11:15 हो रहे हैं अभी। तो आज देखेंगे जो कि अपनी कितनी अर्निंग होंगी, कितनी गाड़ी चलती, कितने का पेट्रोल दिलाते, पूरी चीज़ें बताता हूँ। और आप ना देखें कि कल भी मेरी छुट्टी हो गई बोल के व्लॉग नहीं आया, तो उसके लिए सॉरी भाई। सोच रहा हूँ कि भाई रेगुलर डालेंगे व्लॉग, मगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जा रही थी। तो बहरहाल आप ला पूरा वीडियो लास्ट तक देखें भाई। भाई प्लीज़ यार, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप ला मेरे चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पुराने भी है नहीं करके रखे तो भाई कर लो, कुछ भी नहीं जा रहा। तो भाई आज का पहला ऑर्डर दिया, ये डाला, यहाँ देखो सितारा ग्रैंड है, रोड नंबर 12 बंजारा हिल्स पे। तो आ गए अपन पिकअप करने के वास्ते, देखेंगे क्या तो भी करे कस्टमर ऑर्डर और कहाँ तो भी ले लेके जाने का है। तो दो आंध्रा प्रॉन्स फ्राई है कहते, देखो 4227। ए फ्यू मिनट्स लेटर। चलो भाई यहाँ भी बिठा लिए थे अपने को, देखो टाइम हो गया 12:36 और अपन लॉग इन करे 11:30 को आई थिंक, और ऑर्डर आया अपने को 12:20 को, 15 मिनट इतना बिठा दिए। तो बहरहाल पिकअप मारेंगे और देखेंगे कहाँ ले लेके जाना है ऑर्डर। सिंगाड़ा कुंटा ले लेके जाना है, रोड नंबर 10 बंजारा हिल्स। तो चलिए आइए, चलेंगे डिलीवर करेंगे। आप ला पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए भाई। और भाई एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप ला मेरे चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। पुराने भी है निकल कर रखे तो भाई कर लो, कुछ भी नहीं जा रहा। और भाई प्लीज़ यार लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, और सपोर्ट भी करो भाई प्लीज़। ये बड़ी अच्छी बात कही यार, थैंक यू। तो भाई ये रोड नंबर 10 का जो है कि नया पेट्रोल पंप है, और यहाँ पे हवा दला लेंगे और पेट्रोल भी दला लेंगे। हवा दलाने के वास्ते देखा मैं, तो चलो पेट्रोल ही अभी दला लेंगे, नहीं तो फिर मैं शाम का वेट करता हूँ था थोड़े कैश ऑन डिलीवरी आए बाद, मगर अपनी कने कितने पैसे है देख लेंगे। 250 है, 250 के डला लेंगे अपन, 250 का डालो। चलो अब हवा डला लेंगे अपन, यहाँ कड़क धूप है यार, ठहरने का भी दिल दिल नहीं हो रहा। चलो बाद में डला लेंगे अपन, अपने को लंबा जाना है। ये एक ऑर्डर आया अभी मेरे को, यहाँ मिलेट एक्सप्रेस बोल के है, ले लेके जाना है मणिकोंडा जागीर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो भाई ऑर्डर करते करते बज गए 2:50, और अब तक जो है कि अपन खाली एक 4-5 ही ऑर्डर करा मैं, देखिए 2, 2, 4, 5, जिसमें अर्निंग होगी 227। और ये दो ऑर्डर देखिए 28, 25 होमली के बैच ऑर्डर है, इसमें बता रहा है ये गेट 20 रेन सर्ज, मतलब इन्हें रेन सर्ज ऑन करके रखा, कह रहा है इन्हें खाली ऐसा, ये छलावा है भाई, छलावा समझ रहे ना भाई आप ला, ये खाली बस बोलने का है दे रहा। इसमें दो ऑर्डर मारा मैं अभी, 1 रुपये नहीं दिया एक्स्ट्रा, जो 20 रुपये देता कहते हैं ना, 1 रुपये नहीं दिया भाई, खाली वो छलावा है दिखाने का। बच्चे नहीं आए शायद छुट्टी पे, बल्कि बता रहा वो तो, एक जो बच्चे लॉग इन में नहीं 100%, उसमें से एक 10% जो है कि लॉग इन कर देते ये देख के कि भाई रेमसर्स दे रहा, चलो लॉग इन करेंगे, मगर कुछ भी नहीं दे रहा भाई, खाली वो छलावा है, समझ रहे हो। अरे यार ओ ये देखो, हो गया कल्याण, हो गया अपना तो भाई, गाड़ी पंचर हो गई ये बारिश में, ऑर्डर कर कर के वहाँ से आया मैं, और अब भी जस्ट हुआ शायद वो पानी में कुछ तो खिला लगाऊंगा। अब ये क्या है, टायर तो ट्यूबलेस है नहीं कि अपन बना लेंगे खुद से, या हवा रहती दुकान को ले लेके जा सकते, अब क्या करना पड़ता है अपने को। और मैं हूँ अभी हाईटेक सिटी पे, यहाँ पे पंचर शॉप भी कहीं नहीं दिखती, आजू बाजू कुछ भी नहीं है, मैं अंदर हूँ कॉलोनी में, चला के ही लेके जाएंगे, देखेंगे भाई ट्यूब ख़राब हुआ तो ट्यूब बदलेंगे, चला के ही लेके जाना पड़ता ना भाई, अब इतनी अंदर हूँ मैं, चलो देखेंगे, आराम से जाएंगे, कहीं पंचर वाला मिल जाओ भाई तू। ए फ्यू मिनट्स लेटर। ये है शायद यहाँ पे पंचर की दुकान, मैकेनिक है यहाँ पे, पंचर भी हुआ तो ऐसी जगह पूरा कि भाई क्या बोलूँगा, वहाँ से चला लेके आया, देखो ट्यूब अच्छा है या नहीं, ऐसा बैठ के आए तो क्या है, टायर भी ख़राब हो गया था, ट्यूब भी ख़राब था। थैंक यू सिंधा,
बैग निकालना पड़ता। हाँ निकालना पड़ता। तो भाई गाड़ी लेने के बाद फर्स्ट टाइम इसका टायर खुला और फर्स्ट टाइम ब्रेक शू दिख रहा। अब ब्रेक शू कैसा है कि ये पीछे का ब्रेक शू है अपनी गाड़ी का, अच्छा ही छे। क्या है, खिल्ला है पूरा, स्क्रू है। ये इतना छोटा, हाफ इंच का है ये, हाफ इंच, हाफ इंच का भी घुस गया अंदर। ये देखो भाई बड़ा काम हो गया, गाड़ी चला लेके आया ना भाई। ये भगवान क्या जुलूम है। 400 टोटल, 400 होता कम करो ना भाई। हाँ भाई सीजी कवर है यार, मार डाल दे यार, जो कल भी तर किपुर मर जाता है ना। हम भी बता रहे हैं ना, सासुरी वो इंडिया जो है। हाँ 100 सर्विस है, 302 आने मार डाल दे, 8 बम तोड़। ट्यूब कितने का? 300 300 100 रुपीस पंचर। फेसबुक ला दी, ठीक है डालो डालो भैया। हाई ट्यूब कौन सा कंपनी का है? MRF का, ठीक है डालो। मैं बोला ना आप लोगों को रास्ते में ही अगर बैठ के ले लेके तो जा रहा हूँ, ट्यूब चले गया तो फिर ट्यूब भी चेंज करना पड़ता। अब देख लो बारिश में काम करने का यही है नतीजा। सबसे बड़ा ये गाड़ी का डिसएडवांटेज यही है कि इसमें जो है कि ट्यूबलेस नहीं दिया। अब 125 में ट्यूबलेस आया नहीं आया वो तो मेरे को नहीं मालूम, शायद ट्यूबलेस है 125 में, मगर इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि ट्यूबलेस नहीं दिया गाड़ी को। अब कभी पंचर हुए भाई, अपन धक्का दे दे के भी ले लेके आया तो ट्यूब फट जाता, तो बड़ा खर्चा होता। देखो अब 400 रुपये लग गए। चलो भाई हो गया नुकसान अच्छा खासा, दूर से लाना था बल्कि मैं भी जो कि भाई गाड़ी पे बैठ गया था। और अगर समझो कि मैं अगर गाड़ी पे बैठ के भी नहीं आता था तो गाड़ी का इतना वजन है वैसे भी ट्यूब ख़राब होना ही था। अब इसका सोल्यूशन क्या है बोले तो अपन एक पाना रखना या कुछ तो भी रखना, फिर वो टायर खोलना, अपन पूरा व्हील खोल दे के लिफ्ट ले लेके फिर जाना पड़ता पंचर वाले कहने, फिर पंचर बना लेके फिर वहाँ से लिफ्ट लेके आके अपने को ही फिक्स करना रहता, तो ये एक बड़ा झंझट है। और अब मैं क्या सोच रहा हूँ, ये एक चीज़ मेरे सामने आई तो ये गाड़ी अपन रिप्लेसमेंट में कर लेंगे, 125 cc में कर लेंगे, जो कि मेरे ख्याल से ट्यूबलेस टायर की है। अगर 5,000-10,000 एक्स्ट्रा भी गए तो परवाह नहीं, अपन जो है कि शोरूम में जाके पूछेंगे बजाज के कि भाई रिप्लेसमेंट में कितना एक्स्ट्रा आ रहा बल्कि ये गाड़ी का। और उससे कहीं को बोले तो गाड़ी लेके अभी एक महीना भी नहीं हुआ, तो ये एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही। आप ला कमेंट बॉक्स में बताओ क्या करूँ बोल के। तो बहरहाल शाम के बज गए हैं देखिए जैसा कि 5:30, और अब तक अपनी अर्निंग हुई है सुबह 11:30 बजे से लेके अब तक एक 497 500 रुपये की भी अर्निंग नहीं हुई है। बारिश में करा भीग लेके तो एक 2-3 ऑर्डरों में रेंसर्स दिया मेरे को, टोटल 9 ऑर्डर हुए अब तक। और देखे तो आप लोग खाना वाना कुछ भी अब तक खाए भी नहीं, और क्या है खाना नहीं खाया तो और ज़रा क्या है दिमाग ख़राब होता, गुस्सा और ज़्यादा आता, भूख लगी भी रहती। तो चलिए आइए देखेंगे रास्ते में कुछ तो भी लाइट लाइट मिला तो खाना खा लेंगे, वैसे भी दोपहर का टाइम तो चले गया भाई, सुबह 9 बजे का अपन ब्रेकफास्ट करे तो है बस। भाई उठा ले रे बाबा उठा ले। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू। तो भाई रात के बज गए हैं 9:18 और मैं ड्यूटी बंद कर दिया भाई, भाई को बोले तो मेरा पहले दिमाग ख़राब हो गया, बारिश में जो एक ही करके ऑर्डर गाड़ी पंचर करा लिया तो 866 रुपये अपनी अर्निंग हो गई, इसमें 300 इंसेंटिव आ जाते,
तो 1150-1200 रुपये काम हो गया समझो, जिसमें अपन ऑर्डर करे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 17 ऑर्डर करा हमें। लॉगिन हिस्ट्री होगी 9 घंटे 42 मिनट। और कल तो देखे थे अपना छुट्टी कर लिया था हमें, गाड़ी भी चल चुकी अपनी पूरे 100 किलोमीटर, घर से निकलते वक्त 525 पे था, अभी 624 पे है। और भाई देखे अपना जो है कि आज तो खाना भी नहीं खाया मैं, और कुछ भी स्नैक वगैरह भी नहीं, तो वैसे लाइट लाइट मिर्ची भाजी कुछ भी समोसा वगैरह खा लेता था, मगर आज कुछ भी नहीं खाने को हुआ। पानी भी जो है कि ज़्यादा नहीं पीने को हुआ, कभी को बोले तो बारिश था, ठंडा मौसम था, तो प्यास नहीं लग रही थी। तो बहरहाल देखे जो है कि अपना पंचर तो हो गई गाड़ी, पंचर हो गई तो फिर बना लेना पड़ता। वैसे मेरे को गाड़ी लेने से पहले ही जो है कि मालूम था कि गाड़ी ट्यूबलेस नहीं है, टायर इसके परेशानी होती, तो मेरे को ये नहीं मालूम था कि भाई इतनी जल्दी पंचर हो जाएंगे, बोले क्योंकि टायर भी नया था, लेकिन बारिश में चलाने की वजह से पंचर हुआ था। तो बहरहाल वैसे तो शोरूम वाले ज़्यादा देते नहीं, मेरे ख्याल से 10-5 हज़ार रुपये लगते नहीं एक्स्ट्रा। वो ये गाड़ी के क्या है बोले तो देखेंगे, वैसे कल जाता हूँ मैं, अगर अच्छा रेट मिल गया अपने को, 5-10 हज़ार रुपये लग रहे हैं एक्सचेंज के, तो अपन करा लेंगे, नहीं तो फिर परवाह नहीं अपने को भाई, एक सामने के पीछे के व्हीला चेंज करा लेंगे, अगर इतना ज़रूरी है तो अपने को ट्यूबलेस लगाना। वैसे तो लॉन्ग राइड को ट्यूबलेस ही चाहिए रहता है, कहीं को बोले तो कभी रास्ते में पंचर हो गई तो अपन ही खुद से बना लेना बोल के। तो अगर कभी जाना रहा मेरे को बाहर, तो मैं ट्यूबलेस टायर और व्हील जो रहती ट्यूबलेस की वो लगा लेना पड़ता, तो उसके वास्ते खर्चे आते। तो बहरहाल अभी तो और ज़्यादा खर्चे है, एक्स्ट्रा पैसे रहे तो मैं सब कराता हूँ काम, गाड़ी में और भी थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन कराने हैं, बतलाया था मैं आप लोगों को, फुर्सत नहीं मिल रही घर के कामों से, और भी थोड़े बहुत काम है। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही, अगर आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा तो भाई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भाई आप लोग कमेंट भी करो, कमेंट करके बताओ क्या सही है क्या गलत है। मेरे को वैसे मेरे को मालूम है कि भाई इतना कुछ भी खास एडिटिंग नहीं होती, खास क्या भाई एडिटिंग वगैरह तो समझो होती ही नहीं मेरे से इतनी खास, मैं जल्दी जल्दी टाइम नहीं लेता, कट मारता हूँ जल्दी जल्दी एड अपलोड कर देता हूँ, तो ऐसा ही चे। बहरहाल अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और भाई सब्सक्राइब करो यार, नए हैं अगर तो भाई सब्सक्राइब कर लो, पुराने भी हैं निकल के रखे तो भाई कर लो, कुछ भी नहीं जरा। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जय हिंद, खुदा हाफिज़, वाल्सलाम। बंडी 83,000 तेलुगु राजू चल रहा है, चल रहा है।